हेलो दोस्तों शडीम मोड में आपका स्वागत है आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से चल रही होगी और आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे आपका सवाल बार बार था कि सर कब से आप स्टार्ट कीजिएगा लाइव क्यूज़ तो एक से दो दिन में मैं पटना पहुंच जाऊंगा और लाइव क्यूज़ आप लोगों का स्टार्ट कर दूँगा आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि अभी सासाराम की स्थिति कैसा है और अभी सासाराम में क्या हुआ था और आप लोग ये भी जानते हैं कि अभी नेट यहाँ डिस्टर्ब है जिसके कारण से आप देखिएगा कि मैं अलग जगह जाकर यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और डेली आप लोगों को क्यूज में इसलिए दे देता हूँ टेस्ट के माध्यम से कि आप लोगों का रिवीजन भी होते रहे ये सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा मैं लास्ट में आपको कटअप बताऊंगा कि कितना होना चाहिए और आप लोगों ने कितना स्कोर किया यह जरूर बताइएगा पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं होमरूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया जो होमरूल लीग आंदोलन है यह उन्नीस सौ सोलह समय आप देखिएगा तो जो इंडिया में जाया जाता है सर क्योंकि होमरूल लीग आया था आयरलैंड से पहले आयरलैंड में शुरुआत किया गया था अगर इंडिया में हम बात करें तो एनी बेसेंट और लोक कमान तिलक द्वारा स्टार्ट किया गया था इसका आंसर क्या हो जाएगा डी एनी बेसेंट वो वही है जो कि आ, सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे आ, की थी आ, और ये कब की थी ये भी आप सब पूछता है तो 1917 के अधिवेशन में जो हुआ था कोलकाता में उसकी पहली महिला ये थी ठीक पहली भारतीय महिला पूछे तो वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो क्वेश्चन पूछता है और बाल गंगाधर तिलक ठीक लाल बाल पाल में देखिएगा गर्म दल के नेता जैसे हैं विपिन चंद्रपाल लाला राजपत राय और इसमें आते हैं बाल गंगाधर तिलक तो बाल गंगाधर तिलक बोले थे स्वतंत्रता हमारा जमसिद अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे केसरी पत्रिका निकालते थे मराठी पत्रिका निकालते थे ये याद रखिएगा पहले के आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दो देख लीजिए इसका पी मैं दे दूँगा मनुस्मृति की रचना किसने की थी सो मनुस्मृति है जो मनुस्मृति है अब देखिएगा कि इसकी रचना जो किया गया था ये मनु द्वारा किया गया था किसके द्वारा मनु द्वारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ये सबसे प्राचीन आपको हिंदू ग्रंथ माना जाता है कानून के क्षेत्र में लॉ के क्षेत्र में आप सभी को पता होना चाहिए सबसे पुराना स्मृति भी है मनुस्मृति तो दूसरे के आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या है सो मूत्र का पीला रंग जो होता है ये किसके कारण होता है ये आपको बताना है यूरोक्रोम के कारण होता है किसके कारण यूरोक्रोम के कारण होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री के आंसर ए आप लगा लीजिएगा ठीक क्वेश्चन नंबर चार मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ देखिए एक स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं डेढ़ से दो लीटर प्रतिदिन मूत्र के त्याग करते हैं और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पाँच से छः लीटर खून होता है जो कि शरीर के सात परसेंट होता है यानी कि क्वेश्चन फोर देखना यहाँ पर है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है सो मोहन जोदाड़ों का शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए तो मोहनजोदारो जो है इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला क्या है मृतकों का तीला सिंधु घाटी सभ्यता में इसका नाम आता है सी हो जाएगा इसके आंसर क्वेश्चन नंबर पाँच देख लीजिए सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है ये देखिए यह क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे कि नहीं यहाँ से देखिए पढ़े तो जरूर होंगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग लिटिल बॉय परमाणु बम में किया गया था अब आपके दिमाग में आ गया कि लिटिल बॉय कब परमाणु बम बनाया गया था और कब गिराया गया था तो ये लिटिल बॉय जो परमाणु बम बनाया गया था अमेरिका द्वारा बनाया गया था और ओपन हाइवर का नाम इसमें महत्वपूर्ण रूप से निकल कर आता है जो कि परमाणु बम जो बनाए जाते हैं ये आपको नाभिकीय विखंडन के, के सिद्धांत पर बनाए जाते हैं और लिटिल बॉय फैटमैन नामक यानी लिटिल बॉय जो था 6 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा पर सबसे पहले बम गिराया गया था फिर फैटमैन नामक नौ अगस्त उन्नीस को जापान के हिरोशिमा पर आपको नागा पर नौ अगस्त को नागा पर यह अमेरिका द्वारा जापान पर गिराया गया दिन के बाद द्वितीय विश्व में जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया और ये जो पहला जो बम था ये लिटिल बॉय जो था ये फैटमेन के पहले वाला बम था यानी 6 अगस्त का बम था इसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था यानी यूरेनियम का प्रयोग किया गया था यूरेनियम का विखंडन कराया गया था इसके आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक तो फाइव के आंसर बी हो जाएगा प्लूटोनियम वाला का फैटमेन में आपको उपयोग किया गया था तो लिटिल बॉय परमाणु जो बम गिराया गया था ये इसमें यूरेनियम का फाइव कैंसर भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छः देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा तथा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दे रहा है राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं लोकसभा और राजसभा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो मनोनीत करते हैं राज्यसभा में तो बारह है और लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था वो प्रावधान खत्म हो चुका है सो अभी भी टोटल कितना यहाँ आंसर निकल कर आएगा बारह निकल कर आएगा अगर राज्यसभा ही सिर्फ पूछता तब पर भी आप बारह लगाते लोकसभा वाला प्रावधान खत्म कर दिया गया है आपको सभी को पता होगा कि दो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था मनोनीत करने का वो ख़त्म किया गया है ठीक और एस टी एस सी एस टी का जो रिजर्वेशन वाला दस साल था उसे बढ़ाकर दो हज़ार बीस से तीस तक कर दिया गया है ठीक तो इससे भी आपको पता होना चाहिए इसके आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देख लीजिए साठ डिग्री कोण पर आनत दो समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या साठ डिग्री कोण पर दो समतल दर्पण है ये मान लीजिए साठ डिग्री है और ये दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा ऑप्शन देख लीजिए इसमें मैंने बताया था कि एक आपको टोटल जो आपको डिग्री है उससे आपको तीन में भाग देना होता है ठीक अभी दे रहा है साठ तो ये कट जाएगा छछा के छत्तीस हो जाएगा छः आएगा बट ये सम संख्या है छः इसमें से एक आपको घटा देना होगा तो टोटल आपको जो बनेगा प्रतिबिंब ये आपको क्या आ जाएगा पाँच आ जाएगा ठीक पाँच यहाँ पर टोटल प्रतिबिंब बनेगा अगर सात डिग्री पर रखा जाता है और यहीं अगर पैरल रखा जाता है दो समतल दर्पण के तो उनके बीच में अनंत प्रतिबिंब बन जाता है ठीक तो सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर एट देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा का समूह है मैंने एक इसलिए घटाया क्योंकि भाग देने पर आपको सम आ रहा था सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है इसमें कभी ये जो है संज्ञा है सबसे पहले और जातिवाचक है ठीक यानी किसी जाति का बोध कराता है सो लड़का बोलेंगे तो सभी लड़के जाति का हो जाएगा नागरिक लड़की बोलेंगे तो लड़की जाति हो जाएगी कार जो कि कार वाला तो बहुत से ये आ जाएंगे नागरिक ये लड़का कार ये अभी आपको सभी जो हो जाएंगे ये जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं एट के आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देख लीजिए किस रक्त समूह के व्यक्ति को स्वर्गाही कहा जाता है अब इन्वर्सनल एक्सेप्टर इसे इंग्लिश में बोला जाता है अब इस यहाँ हम समझने की कोशिश से एक लड़के जो हैं ये बोले थे कि सर स्वरगाही स्वरदाता में समझा दीजिएगा होता क्या है और बीसी सी बात है कि हम लोग ब्लड ग्रुप चार ही पढ़ते हैं एक ए पढ़ते हैं एक बी पढ़ते हैं और एक ए बी पढ़ते हैं और एक ओ पढ़ते हैं इसमें से भी जो सबका ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है उसे स्वर्गाही कहा जाता है सबसे ब्लड ले सकता है ठीक ए से भी बी से भी ओ से भी इसे ए बी पॉजिटिव कहा जाता है क्या कहा जाता है ए बी पॉजिटिव जो सबसे ब्लड ले सकता है ये याद रखिएगा ऐसे आपको चार ही ब्लड ग्रुप दिखाई देते हैं लेकिन ए बी ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए बी प्लस माइनस ओ प्लस माइनस ऐसे कर कर आठ ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं ठीक तो ऐसे कर कर ये जो होता है जो सबको ब्लड दे सकता है वो ओ निगेटिव होता है ठीक ओ निगेटिव सबको ब्लड दे सकता है यानी कि श्वरदाता इसे बोला जाता है ओ नेगेटिव को और सबसे ब्लड जो ले सकता है ये भी प्लस कहा जाता है इसे स्वरगाही कहा जाता है ठीक तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा प्लीज़ मैं ऑप्शन नहीं दिखाया इसके लिए सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा ठीक ए बी प्लस जो होगा ब्लड ग्रुप किसी से ले सकते हैं और ओ नेगेटिव किसी को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं इसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर दस देख लीजिए सभी पहले मैं क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ उसके बाद देखिए गलत कथन को चिन्हित करें ये साफ साफ दे रहा है कि गलत कथन को चिन्हित करे अब पहले ऐसे स्टेटमेंट आप यहाँ से आप पढ़ लीजिए ठीक गलत कथन को चिन्हित करना है दिमाग में फिर से बैठा लीजिए विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि अब आप ऑप्शन देख लीजिए और मुझे पता है कि बहुत से लड़के इसमें गलती लगाएंगे मुझे पता है ना आप खुद आप देख लेना बहुत से लड़के गलती लगाएंगे हो सकता है आप भी गलती लगाएं अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने क्या बताया था ऊपर दिया है गलती का चयन करें तो आप लोग अभी सही का चयन कर लिए होंगे गलती का चयन क्या होगा कि अब यहाँ पर देखो ये क्या गलती है पहला ऑप्शन देख लेते हैं वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो ये तो आपको ओ सी बात है कि अगर उसको हटाना है अगर वो हटाया जा सकता है यानी कि वो निर्वाचित होगा ही अगर नहीं होगा किसी के लाभ के पद पर अगर होता है तो लाभ के पद पर होगा तो कैसे निर्वाचित हो सकता है है नहीं, नहीं हो सकता है यानी वह भारत या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो यह तो चीज नहीं है यहां पर ऊपर से फिर से पढ़ लीजिए कि यह कह जा रहा है कि भंग की जा सकती है उसकी सदस्यता और इसमें से गलती आपको चुनना है और भंग की जा सकती है दे रहा है फिर से याद दिला देता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये उसकी सदस्यता भंग करने के लिए सही है गलती नहीं है ठीक वह मानसिक रूप से विच्छुत या पागल हो यह भी सही है उसकी सदस्यता भंग करने के लिए यानी हटाने के लिए उसको वह दिवालिया हो यानी दिवालिया बैंक बैंकप्ट कोशिश कर दिया हो यह भी सही है आपको उसको हटाने के लिए वह आयु तीस वर्ष का हो वह आयु तीस वर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता पैंतीस साठ वर्ष से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आयु के बारे में नहीं बताया गया आयु उसका मिनिमम पच्चीस वर्ष होना चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत गलत आ रहा है ठीक ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया है? गलत हो गया गया है? है गलत और यहाँ पर गलत ही छाटना था इसका आंसर डी बाकी ऊपर का तीनों सदस्यता भंग करने के लिए सही माना गया है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह देख लीजिए नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है शो नागा अर्जुन सागर जो बांध है ये देखोगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला क्षेत्र में और यह है कृष्णा नदी पर स्थित किस पर कृष्णा नगर पर कृष्णा नदी पर माफ करना एक ग्यारह के आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा गोदावरी को प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है यानी वृद्ध गंगा बोला जाता है प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है और दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है यह भी याद रखिएगा शिव समुंद्र प्रोजेक्ट जो है कावेरी नदी पर है और आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर बारह भारत में प्रथम आम चुनाव हुए सो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे लंबा चुनाव चला था फेवरी तक चला था उन्नीस तक चला था तो ये जो लंबा चुनाव हुआ था आखिर कब से कब हुए थे आप लोग उन्नीस तो याद करते हैं बट महीना भी याद कर लीजिएगा तो बढ़िया है अगर डेट याद कर लेते हैं अति सुंदर है तो क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो अगर किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आ सकता है 25 अक्टूबर उन्नीस से लेकर 11 फरवरी उन्नीस के बीच में आम चुनाव हुए थे तो उन्नीस से बावन आप आराम से लगा सकते हैं यानी अक्टूबर उन्नीस से फरवरी उन्नीस के बीच में ये आम चुनाव हुए थे सबसे पहले ठीक उससे पहले जो संविधान सभा था वही संसद के रूप में काम करता था ये भी याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर तेरह देख लीजिए बिरंजक छुड़ बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है शो बिरंजक चूड़ बनाने के लिए दो चीज़ का उपयोग किया जाता है ठीक बिरंजक चूड़ आप देखे होंगे जिसके कीटाणु जो खतरनाक जो है मारे जाते हैं और देखिएगा बाथरूम जहाँ होता लोग करने जाते हैं यानी सुसु कहाँ करने जाते हैं आ, वहाँ पर टॉयलेट के समीप आपको छीटा रहता है उजला पाउडर कर कर वो ब्लीचिंग पाउडर होता है ठीक पानी में भी इसका डाला जाता है पानी के जीवाणुओं को मारने के लिए खतरनाक तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए इसमें एक बुझा हुआ चूना चाहिए आपको और साथ में कुलड्रीन गैस चाहिए ठीक तो बुझा हुआ चूना और कुलड्रीन गैस का उपयोग किया जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चौदह देख लीजिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रथम राज्य है भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था उसमें प्रथम राज्य कौन सा है ये आपको बताना है ठीक छोटा मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पर देख लीजिए नीचे की तरफ भी ऑप्शन है डी में दिया है कर्नाटक बाकी ऊपर की तरफ देखिए तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान दो अक्टूबर उन्नीस से आप देखिएगा नागौर एक जगह है राजस्थान में वहाँ से आपको पंचायती राज की शुरुआत किया जाता है जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और उसके कुछ ही दिनों बाद आंध्र प्रदेश में पूरी तरीका से लागू किया जाता है पंचायती राज और पंचायती राज को तिहतरावाद संविधान संशोधन उन्नीस द्वारा देखिएगा ये आपको संवैधानिक दर्जा भी दिया जाता है पंचायती राज जो है ये आप देखिएगा पंचायत राज ये जो राज सूची का विषय है टोटल पंचायती राज जो है ये कितने कानून बना सकते हैं कितने सब्जेक्ट पर तो उनतीस सब्जेक्ट पर और ये एगारहवें अनुसूची में इनका वर्णन मिलता है और भाग नौ में इसका वर्णन मिलता है ठीक आर्टिकल दो से के ए से लेके ओ तक यहाँ वर्णन मिलता है आपको आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह देख लीजिए देखते हैं कौन कौन ये सही कर रहे हैं ठीक इर्ष्या का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा आंसर बता देंगे हम आपको सोचिए इर्ष्या का सही संधि विच्छेद जो होगा ये हो जाएगा डी डी वाला ऑप्शन ठीक ये आपको सही संधि विच्छेद होगा अक्सर ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते होंगे क्वेश्चन नंबर सोलह देख लीजिए संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है संस्कृत सबसे प्राचीन आपको देखा जाए सबसे लैंग्वेज में आती है तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए देखिए संस्कृत व्याकरण की एक बुक है अष्टधाई और अष्टधाई की जो रचना किया गया है ये किया गया है पाण्डनी द्वारा इसलिए संस्कृत व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है पाणिनि को कहा जाता है ठीक इसके आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सत्रह देख लीजिए जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल राशि पाई जाती है अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग गलती कर देते हैं गलती नहीं करना है तो ये जो जल राशि पाई जाती है इसे बोला जाता है पाक जल संधि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है ठीक तो इसके आंसर क्या हो जाएगा सत्रह का आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पाक जल संधि क्वेश्चन नंबर अठारह देख लीजिए यहाँ पर मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है काली कपासी मिट्टी से बोला जाता है कपास की खेती ज़्यादा होता है श्वता जुताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में देखिएगा ज़्यादा देखने को मिलता है और ये हो जाएगा काली मिट्टी ब्लैक श्वाई भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है तो जलोढ़ मिट्टी नदी नीक्षपों द्वारा बनाया जाता है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है ठीक और लेटराइट मिट्टी में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कॉफ़ी का ये भी आपको पता होना चाहिए पहाड़ी वाला क्षेत्र में मिलता है तो अठारह के आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर उन्नीस देख लो निगुलट्रम किस देश की मुद्रा है ये हमारा पड़ोसी देश है छुटकी को देश है छुटकी को देश कौन सा है ये जिसका आपको मुद्रा निगुलट्रम मिलेगा ये भूटान हो जाएगा ठीक राजधानी इसका थेम्पू पड़ता है उन्नीस के आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर बीस प व्यंजन का उच्चारण स्थान है प बोलोगे तो देखो प में तो व्यंजन में दो आपको निकल कर आता है ठीक एक तो आपका कंठ से थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ता है और प बिना ओठ सटाए आप नहीं बोल सकते प देखिए प फ भ म ओठ सट रहा है सो ये उष्ट व्यंजन है ये क्या है उष्ट व्यंजन है इसका आंसर क्या हो जाएगा औष्ट व्यंजन हो जाएगा ठीक आप बोलकर देखिए प फ भ म ये बोलकर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा बेस के आंसर है आप ही कहिएगा सर करने लगे वफा वफ पढ़ने लगे कख गघ आता है क्वेश्चन इसलिए मैं आप लोगों को कराया आसान क्वेश्चन होता है समझने की देरी होती है इनमें से कौन एक भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है भाव यहाँ पर निकल कर आता है भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है यहाँ पर देख ली है ना जी सॉरी संज्ञा शब्द है माफ करना यहाँ पर दिया है कि संज्ञा शब्द है ठीक तो भाववाचक संज्ञा सर मधुर से बना है मधुर ठीक तो ये आपको जो बना है ये मधुर हो जाएगा यह आपको बना है जो है ये भाववाचक संज्ञा है ठीक तो इक्कीस के आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बाईस देख लो किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है कोई भी चीज़ जब दिखाई देता है तो उसमें मैंने फिनोमिना आप लोगों को बता दिया एग्ज़ाम में कैसे टिकल करना है कोई भी चीज़ दिखाई देता है और प्रतीत होता है उसमें अंतर होता है देखो पहले नंबर जो कोई भी चीज़ लाल दिखाई देता है नीला दिखाई देता है ब्लू दिखाई देता है ठीक कुछ नहीं दिखाई देता है यानी कि आकाश यात्री को आकाश का रंग काला दिखा मतलब बाहर से आपको देखा जा जाए इन से तो काला दिखाई देता है तो प्रकीर्णन नहीं होता है और दिखाई देने का उगते समय लाल दिखाई देना डूबते समय लाल दिखाई देना पानी का समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना ये सभी जो होते हैं फलना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक कौन सी प्रकाश प्रकृत होती है तो वो बैग्नी होती है ठीक और सबसे कम लाल होते है सबसे अधिक तिरंगधर किसका है तो लाल का है सबसे कम तरंग धर किसका है बैगनी का है ठीक सब याद रखिएगा अपवर्तन क्या होता है तब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रकाश जाता है तो थोड़ा विचलित होता है उसे ही अपवर्तन कहा जाता है एक मीडियम मतलब कि सघन से आपको बिरल में जाएगा या बिरल से सघन में जाएगा यानी कि वायु से पानी में जा सकता है वायु से कांच में जा सकता है कांच से वायु में जा सकता है पानी में जा सकता है ऐसे कीजिएगा तो प्रकाश जो है वो विचलन हो जाता है ये थोड़ा सा मुड़ जाता है ठीक या तो अभिलम्ब की ओर मुड़ेगा या अभिलम से दूर मुड़ेगा अब यहाँ पर देखिएगा कि यही कारण प्रतीत होते दिखाई देता है ठीक जैसे कि आ, सूरज उगने या डूबने से पल ही उगने या डूबने जैसा आपको दिखाई देता है कि निकल गए या डूब गए प्रतीत होता है ना तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं प्रतीत होता है ना ये सब जो ऊपर अब सिक्का पानी में डालो तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है पानी में लकड़ी डालो तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है ठीक ये सब जितने भी प्रतीत होते हैं जैसे समुद्र में मछली मारना है तो थोड़ा मछली जो दिखाई दे रहा है तालाब में मछली मारना है तो उससे नीचे मारो तब ये मछली पर लगेगा तो ये सब प्रतीत होने वाले का अपवर्तन के कारण होती है और जो सही में दिखाई देता है ये आपको प्रचीर्णन के कारण होता है ठीक ये सब आपको पता होना चाहिए अब ये मत सोचना कि जो शीशा का टूटा हुआ भाग चमकता है तो वो इसके कारण नहीं होता है शीशा का टूटा हुआ भाग जो चमकता है वो आपको टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन उसमें होता है समझ में मैं आया ना जैसे कि टनका हुआ शीशा हुआ या परख नली पानी में डालो तो चमकता है या हीरा जो चमकता है लगभग जो उचले टाइप के चमकते हैं या पानी गिरा हुआ रोड पर चमकता है गर्मी के दिन में जिसे मृगवृज का भी बोला जाता है आपको हिरण दिखाई देता है रेगिस्तान वाला क्षेत्र में जाने पर नहीं मिलता है गर्मी के दिन में ये सब होता है ये पूरा आंतरिक परिवर्तन से होता है ये जो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश के प्रकर्णन के कारण बाइस के आंसर से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तेईस देख लो वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल बना रहता है उसे कहते हैं युद्ध तो नहीं होगा लेकिन ताना तनी होते रहेगा यानी हम तोरा तो मार देम तू हमरा मार दे हम तोरा पर बम फेंक दे तू तो पर बम फेंक देवे ये जो बना रहा है ये हम लोग टेंथ क्लास में पढ़े हैं सर जो जैसे पढ़ाए थे यानी कि यही स्थिति बना रहेगा कि कभी भी युद्ध हो सकता है बट युद्ध होता नहीं असल में स्थिति बना रहता है इसे बोला जाता है बोली का युद्ध यानी बातों बातों का युद्ध यानी कि बातों से सिर्फ बात होता है यानी इसे शीत युद्ध बोला जाता है असल में युद्ध होता नहीं है असल में युद्ध होता नहीं है ठीक देखिए वाक युद्ध मैंने बोला बोली का युद्ध बोला तो वाक युद्ध से बहुत से लोग लगा दिए होंगे ऐसा मत कीजिएगा ठीक मेरे कहने का मतलब समझाने के मैं बहुत सरल तरीका आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको देखिएगा कि उन्नीस के बाद देखिएगा कि दुनिया में महाशक्ति उभर कर आए दो मुख्य रूप से एक रसिया और एक अमेरिका ठीक दो महाशक्ति उभर कर आए और दोनों के बीच में देखिएगा कि हरदम देखिएगा कि शीत युद्ध होते रहा है नाइनटीन से पहले यानी जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ है उससे पहले देखिए शीत युद्ध का दौर एकदम चालू था ठीक क्यूबा में मिसाइल लगा दिया था रसिया ने आप देखिएगा तो उस समय तो और भी खतरनाक स्थिति बन गया था कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा तो ये चीज़ आपको देखिएगा शीत युद्ध में होता है ठीक स्थिति बनी रहती है युद्ध का बोली एक दूसरे से लोग बोलते हैं लेकिन होता नहीं है युद्ध असल में क्वेश्चन नंबर चौबीस देख लो निम्नलिखित में कौन एक गैर परम्परागत ऊर्जा का स्रोत है परंपरागत और गैर परंपरागत में आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय होता है नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल होता है यानी फिर से हम यूज़ कर लेंगे तो फिर से यूज़ वो करेंगे जिसका खत्मा हो ही नहीं सकता है जैसे कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं सूरज की ऊर्जा को हम लोग पवन की ऊर्जा को हम लोग जो जवारीय ऊर्जा है उसका उपयोग कर सकते हैं यानी कि उससे प्रदूषण भी नहीं होता ऐसे ऊर्जा का हम लोग यूज़ कर सकते हैं और वही होता है गैर परम्परागत परंपरा के अकॉर्डिंग हम लोग किसका यूज करते हैं कोयला का यूज़ करते हैं लकड़ी का यूज़ करते हैं पेट्रोल का यूज़ करते हैं ये सब हम परंपरा के अकॉर्डिंग करते हैं यानी कि हम लोग करते आ रहे हैं गैर परम्परागत में कौन हो जाएगा पवन हो जाएगा वायु हो जाएगा ठीक जो विंड एनर्जी हो जाएगा सोलर एनर्जी हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा ये सब क्या होता है आपको गैर परम्परागत रूप से होता है ठीक अभी भी हमारा जो भारत है थर्मल एनर्जी पर डिपेंड है यानी तापीय ऊर्जा पर सबसे अधिक डिपेंड है तापीय ऊर्जा सबसे अधिक होता है जो कि कोयला से उत्पादन होता है भी याद रखिएगा और जो भी तापीय ऊर्जा होता है या कोयला से उत्पादन ऊर्जा होता है या आपको परंपरागत ऊर्जा होता है उससे तो प्रदूषण देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग में देखने को मिलता है चौबीस के आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पच्चीस देख लीजिए निम्नलिखित में संसाधनों का कौन सा तरीका दुध और दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है दुध हुआ या दुध उत्पादक का हुआ इसके परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है जो खतरनाक जीवाणु होते हैं दूध में उसको मारने के लिए प्रयोग किया जाता है यानी कि इसका प्रयोग कर कर ही देखिएगा कि आप सुधा का दूध पीते हैं अमूल का दूध पीते हैं या कुछ चीज़ का आपको उसका बनाया जाता है मटेरियल तो इसके, इसके बाद ही बनाया जाता है यानी आप देखिएगा कि बासठ से पैंसठ के बीच में अगर आप दूध को आधा घंटा तक गर्म करते हैं यानी पैंसठ से पैंसठ डिग्री सेल्सियस पर दूध को आधा घंटा तक गर्म करते हैं तो उसको खतरनाक जीवाणु मर जाते हैं ठीक इसको पॉस्चुराइजेशन कहा जाता है लूश पास्चर ने इसकी खोज किया था और यहाँ पर हो जाएगा पाशुरीकरण अब यहां पर इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है फिर यहां पर यह चीज होगा कि सर तो फिर 15 के, लिए कब के, तो 15 के लिए किया जाता है सो से बहत्तर डिग्री के बीच में अगर रखते हैं हैं और उसको तक गर्म करते तो उसे भी कहा जाता है क्योंकि अधिक तापमान मतलब से बहत्तर डिग्री सेल्सियस पर पंद्रह सेकंड के लिए किया जाता है ठीक पच्चीस के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा क्वेश्चन आगे देखो छब्बीस राज्यपाल के समक्ष छेद के साथ अध्यादेश जारी करते हैं यह छेद नहीं अनुच्छेद हो जाएगा ठीक अनुच्छेद अनुच्छेद यहाँ पर अनुच्छेद कर लीजिएगा राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद के साथ अध्यादेश जारी करते हैं यानी कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद यहाँ पर होना चाहिए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत यहाँ लिख लीजिए किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर यानी आर्टिकल के तहत यहाँ पर लिख लीजिए किस अनुच्छेद के तहत आपको जारी करता है ठीक तो यहाँ पर जो जारी करता है सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए आर्टिकल के तहत शो यहाँ पर जो जारी किया जाता है ये आर्टिकल दो सौ तेरह देखो आर्टिकल एक जो है ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल जो जारी करता है आर्टिकल दो के तहत धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 के तहत और डी वाला ऑप्शन में जो है ये संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है ठीक संयुक्त बैठक के बारे में तो ये यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 26 के आंसर बी निकल कर आ जाएगा देखो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो आया था सबसे पहले 1861 की जो आपको एक्ट आया था उसके द्वारा गवर्नर जनरल जारी करता था ठीक अभी जो है हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करते हैं क्वेश्चन नंबर सत्ताईस देख लो जवारियहाँ पर जवारिया नहीं होगा जवारी होगा ठीक जवारिय वन को अन्यथा क्या कहते हैं ज्वारिय वन को ही क्या हम लोग कहते हैं जवारी वन यानी कि समुद्र के किनारे आप देखिएगा जवारी वन जो उत्पन्न होते हैं और जिससे आप देखिएगा ज्वारीय वन में सुंदरवन भी है सुंदरवन डेल्टा जिसे आप लोग बोलते हैं डेल्टा डेल्टाई वन समुद्र के अंदर इसका जड़ काफ़ी फैला होता है और आपको बाढ़ से रक्षा करता है इसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है मैंग्रोव ठीक आपको पता होना इससे सत्ताईस के आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा मैंग्रोव वन क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस देख लीजिए पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा धन नहीं होगा भैया पढ़ाई होगा स्टडी किया जाता है स्टडी स्टडी जैसा स्टडी मूड है वैसे ही स्टडी किया जाता है शो बहुत लोग यहाँ पर पेट्रोल लगा दिए होंगे पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है ठीक अट्ठाइस का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है क्वेश्चन नंबर उनतीस देख लीजिए किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है अब ये बताना है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ठीक खुदाई खिदमतगार नामक अंदो जो संस्था है इन्होंने बनाया था लाल कुर्ती नामक आप देखिएगा कि सेना का गठन किया गया था महात्मा गांधी के परम प्रिय मित्र थे उन्नीस में इनको भारत रत्न भी मिला था पहला यह विदेशी थे ये थे आपको अब्दुल गफ्फार खान खान अब्दुल गफ्फार खान ठीक उनतीस के आंसर क्या हो जाएगा डी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है ठीक आगे देखते हैं क्वेश्चन तीस देख लीजिए और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि ग्रेसम के नियम अभिप्राय है ग्रेसम के नियम किस से संबंधित है पहला देख लीजिए ऑप्शन ध्यान से दूसरा देख लीजिए मतलब बी तीसरा देख लीजिए एक मिनट और चौथा देख लीजिए आंसर मत देखिएगा यहाँ पर देखिए अब ग्रीषण के नियम मुद्रा से संबंधित है और मुद्रा में ये क्या करता है कि बुरी मुद्रा क्या करती है अच्छी मुद्रा को बाजार से हटा देती है यानी कि निकृष्ट मुद्रा क्या करती है श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है यही आपको ग्रीषम के नियम है जो कि मुद्रा से संबंधित है बाकी यहाँ पर एक नियम और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जनसंख्या गुणोत्तर और संसाधन श्रेणी में आपको यानी कि जनसंख्या जो है ये आपको ज्योमेट्रिकल फ्रग्रेशन में पड़ता है और आपको देखिएगा संसाधन जो होता है ये अर्थमेटिकल प्रोडक्ट मतलब कि अर्थमेटिक आप पड़े होंगे ना श्रेणी का उसके अकॉर्डिंग यानी कि जनसंख्या जो बढ़ रहा है ये आपको माल्थस थ्योरी कहलाता है ये जो दिए थे सी वाला ये माल्थस थ्यूरी दिए थे आंसर इस क्वेश्चन का ए होगा मैंने आपको बताया ये सी वाला भी समझ लिया माल्थस साहब ने क्या कहते हैं कि हम लोगों का जनसंख्या है ना दो से चार चार से आठ आठ से सोलह ऐसे बढ़ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है बट जो हमको संसाधन है वो श्रेणी कर में बढ़ रहा है अर्थमेटिक में बढ़ रहा जैसे एक दो तीन चार ऐसे बढ़ रहा है तो संसाधन और जनसंख्या के बीच में गैप इतना हो जाएगा कि आपको संसाधन के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा और बहुत लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि कम संसाधन में कैसे जीव को पार्जन होगा तो इसके लिए जनसंख्या पर भी आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा कि जनसंख्या कम रखा जाए ठीक ये मालथस ने बताए थे बड़े इकोनॉमिक्स थे तो ये टोटल मैंने तीस क्वेश्चन आप लोगों को कराया तीस क्वेश्चन में आप लोगों ने अगर आप लोगों ने बाईस और प्लस क्वेश्चन किया है सही तो मानिए आपकी तैयारी अच्छा है यानी कि 22 प्लस इसका कट ऑफ रहना चाहिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा कोई भी डाउट है कॉन्न बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद